0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के रीवा पहुंचे प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का दमोह विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दमोह उपचुनाव पर जीत दर्ज कर रही है, भाजपा के पास उपचुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस ने सरकार रहते बहुत से काम किए हैं जिसके कारण दमोह उपचुनाव में उनकी जीत हो रही है। दरअसल जीतू पटवारी रीवा के कांग्रेस नेता विवेक तिवारी बावला के निधन पर शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करने पहुंचे थे, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए पटवारी ने दमोह के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दम भरा है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए जा रहे जन जागरण पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 1 साल से जिस व्यवस्था को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, बीते 16 साल में उन्होंने क्या किया है। ने सवाल ये है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन जागृति की बात में कोई नकारात्मक विषय नहीं हो सकता है, पर 1 वर्ष पूर्व ये महामारी का एक तरह से तांडव चालू हुआ था। ये शुरू के 2-3 महीने में जन जागृति जागरण लोगों को अवेयरनेस की बातें होती तो अच्छी थी। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पूरा क्या किया, ये एक प्रश्न मध्य प्रदेश और देश के सामने है। वो कहते हैं कि हम जैसे ही मुख्यमंत्री बने हमने इतने वेंटिलेटर किए, हमने इतने हॉस्पिटल किए, इतने बेड बढ़ाए, इतना व्यवस्थाओं को गिनाते हैं और उसका जिक्र उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में किया। तो सवाल ये कि आपने 16 साल में क्या किया। 16 साल लगातार एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी की सरकार, और अगर इतनी अव्यवस्थाएँ थी तो उसके लिए दोषी भी वही थे। अब जब उनको इस कोविड के दूसरे दौर में गरीबों के इलाज में सहायता करनी चाहिए सरकार को, तो वो अनशन पे बैठना चाहते हैं, स्वास्थ्य आग्रह पे बैठना चाहते हैं। ये अपने आप में बताता है कि इनकी अक्षमता इनके सर चढ़ रही है। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री की एक कार्यशैली है, जो पहले 6 किसानों की हत्या करके ये सत्याग्रह पे बैठे थे, अब कोविड में इतने लोग हताहत हो रहे हैं, परिवारजन परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को लूटना चालू कर दिया है, जो उसके दवाई आती है वो ब्लैक में मिलने लगी है। मैं मानता हूँ कि ये सब बातें इस बात का घोतक है कि मुख्यमंत्री से इन परिस्थितियों को संभलते नहीं बना, फेलियर है उनका। अब वो लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, फिर भी हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं, शासन प्रशासन के नियमों को पालो। कोविड में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं ये बहुत घातक है, मानवता की इस महामारी में उसके विपरीत है। हम सब मिलकर इससे लड़ें, सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करे, मुख्यमंत्री भी अपने दायित्व का निर्वहन करे, पर हमारी भी जिम्मेवारी है, जनता की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है, हम सब मिलकर भी इससे लड़ें। कांग्रेस की नहीं, सवाल ये है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन जागृति की बात में कोई नकारात्मक विषय नहीं हो सकता है, पर 1 वर्ष पूर्व ये महामारी का एक तरह से तांडव चालू हुआ था। ये शुरू के 2-3 महीने में जन जागृति जागरण लोगों को अवेयरनेस की बातें होती तो अच्छी थी। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पूरा क्या किया, शिवराज सिंह जी से अनुरोध किया है कि आपका जो एक अधिकारियों का तंत्र है या अराजकता का तंत्र है, ये रोज कहीं कहीं 2-4, 5 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ते में एक वीडियो विजुअल देता है और इससे मध्य प्रदेश शर्मसार होता है। शिवराज सिंह जी की रीवा से अर्पित पांडे, सागर टीवी न्यूज। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, एमआई, सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 9993723214, 8770621235।